यार पार्क इन्होंने काफी डेवलप कर दिया माशाल्लाह से यार। वहाँ पे जहाज खड़ा हुआ है, यहाँ पे सबमरीन खड़ी हुई है, वो बड़ी सी काली सी। अच्छा आपको बताते चले, हम लोग रास्ते में से कलेजी लेते हुए आए थे। अब हमारी वाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी बहुत पसंद है, 100 रुपए की कलेजी, और यहाँ पे मुश्किल से झूला झूलेंगे 150-200 रुपए, 300-400 बस, इससे ज्यादा नहीं। टोटल खर्चा जो है हमारा वो 500 का है। अभी हम यहाँ टेबल पे बैठेंगे, सुकून से पहले कलेजी खाएंगे। और भाई हमने खरीदी है ये 100 रुपए की कलेजी, चटपटी, और जो रोज और क्या नाम है रोड पे ठेले वाले खड़े होते हैं ना, आपके भाई ने उससे खरीदी, और इसका तो मजा ही अलग है यार। जब इसके अंदर मट्टी वट्टी सब चीजें मिली हुई होती है ना, उसका जायका ही अलग होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा भाई आप लोग बोलोगे घर से तो व्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ, ये लोग पहुंचे हुए कहाँ हैं? हम पहुंचे हुए मेरी टाइम। अच्छा मेरी टाइम के अंदर मैंने देखा था यार, ये देख सकते हो वहाँ पे नए नए झूले लग गए हैं भाई, इन लोगों ने नए नया इन्वायरमेंट स्टार्ट करा है। और अभी मैं अंदर जैसे ही इंटर हुआ हूँ ना, यहाँ पर एक शॉप तैयार हो गई है माशाल्लाह से, आज इस अंदर का रिव्यू करेंगे। ये देखो हमारे बच्चे पहले से चल कर आ गए, तो चलो चलते हैं अंदर। पाकिस्तान नेवी ह्यूमन एसोसिएशन, चलो भाई अली अंदर चलो। और आपका भाई अंदर आ गया है, और माशाल्लाह से अस्सलाम वालेकुम बेगम। भाई यहाँ पे बताएं किस अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं यहाँ पर? बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटीक हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा घर की डेकोरेशन का ज़्यादातर सामान है। ये ग्लव्स वगैरह हैं, ये ग्लव्स वगैरह देख सकते हो आप, ये ग्लव्स हैं। और ये बेगम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है? डाइनिंग टेबल की चीज़ें हैं ये। हाँ मेरे ख्याल से ये रोटी रखने का है, और ये देख सकते हो रूम का डेकोरेशन का भी सामान है इसके अंदर। क्या है? जग गिलास कवर है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो और विजिट कराते हैं। वो देखो, ओ भाई नहीं करो, ये देख सकते हो भाई, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? अबे मुझे तो सर का टोपा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं भाई। ये देख सकते हैं यहाँ पे रोटी रखने का है मेरे ख्याल से ये। हाँ रोटी रखने का है ना, ये बास्केट्स वगैरह हैं ये, है ना? हाँ रोटी रखने का, इससे देख के मैं पहचान गया हूँ कि रोटी रखने का है। कितने का है? 500 का। सही है यार, नहीं महंगा है, जगह के हिसाब से महंगा है। चलो आओ और जगह दिखाता हूँ। और ये देख सकते हो चादरें वगैरह रखी हुई इन लोगों ने। ये क्या कहलाती है? ये क्या है? ये भी डाइनिंग टेबल की चीज़ें हैं, ये भी डाइनिंग टेबल है। अच्छा ड्राइंग रूम सेट है, ये ड्राइंग रूम सेट है। और चलते हैं आगे की साइड पे, भी और चीज़ें दिखाता हूँ। वुड्स वगैरह का सामान लगा हुआ है, और ये किचन वो वॉशरूम का भाई पूरी डेकोरेशन का सामान है। और आगे चलते हैं अभी, ये देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर ना इनके पास ना रूम डेकोरेशन का सामान है, बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह हैं। और अच्छा टी शर्ट वगैरह 250-300, और मेरे साइज़ की जो शर्ट मिलेगी वो आपको 500 रुपये तक की मिलेगी। कुशंस वगैरह की डिज़ाइन माशाल्लाह भाई, ये अभी शॉप बनी है, ये पहले नहीं थी। ठीक है अभी हमने खुद देख के हैरान हो गए कि यार हम लोग अंदर इंटर हुए। ओहो बेबी क्या कहते हैं, नहीं मुंह से नहीं निकल रहा, बेबी कोट कह देता हूँ। और ये डिज़ाइन देख सकते हो भाई, बेबी कोट्स के अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं इनके, कलर अच्छे हैं। तो अब आपका भाई ये दिखा सकता है बॉर्न बेबी के लिए, मेरे ख्याल से जो इनके कोट्स वगैरह होते हैं। कितने का है? 750 रुपये का। और ये टेबल देख सकते हो भाई, ठीक है, मतलब जो जो चीज़ें नज़र आएंगी आपको भी दिखाता रहेगा। रूम डेकोरेशंस के लिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स का ये ऊपर भी लगा हुआ है, इस तरीके के डिज़ाइंस हैं। कितने कितने के हैं? 700 रुपये का, ये ले लो, ये 2300 रुपये का है, ये 700 रुपये का, ये भी 700 रुपये का है। अच्छा बैग, लेडीज़ बैग की बात करें, कितने का है भाई? ये वाला बैग दिखाते हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। कितने का है? 2000 नहीं 3000, 1000 रुपये मैंने एकदम गुम कर दिए। ये भाई 3000 रुपये का है। और अगर इसकी बात करें तो ये कितने का है? ये भी 3000 का है। ब्लैक वाले की बात करें, ये कितने का है? ये भी 3000 रुपये का है, 2500 रुपये का, सॉरी ये ब्लैक वाला 2500 रुपये का है। और ये वाली बात करें, इसका डिज़ाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से ज़्यादा तो यार 3500 रुपये हैं। ये 2500 रुपये है, ये भी 2500 है, ये 3000 है सॉरी। और ये वाला, ये कितने का है? ये भी 3000 का है। और ये कितने की है सिंदरी? सिंदरी के प्राइस दिखे हुए नहीं है, माजरत। लैंप्स वगैरह भी हैं, मतलब टोटल डेकोरेशन का सामान है। हमारी बेगम अपनी तस्वीरें खींचने में लगी हुई हैं। वॉलेट्स वगैरह भी हैं इस तरीके की लेडीज़ के, जैसे कुरान पाक की आयतें वगैरह होती हैं वो रख सकते हो, 650 का। ये देख सकते हो कुरान पाक के कवर्स हैं यहाँ पर, कितने के हैं भाई? 1600 रुपये का। तो अभी हम चलते हैं बाहर, अभी हम थक गए इतना दिखा के,
थक गया आपका भाई। ये इसको क्या कहते हैं, खैबर बेगम, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, खैबर शाही किला, शाही किला। और ये मीनार पाकिस्तान। तो चलो भाई अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, यहाँ की वीडियो बहुत होगी। भागो यहाँ से, चलो भागो 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 भागो। हमने व्लॉग स्टार्ट करा तो हम शॉप के अंदर ही चले गए, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि बेगम को वहाँ पे चीज़ अच्छी लग रही थी। सर आपको कैसी लग रही थी वहाँ पे चीज़ें, अच्छी थी? मैंने बोला दिल्ली से भाग लो, इससे पहले बेगम को कुछ पसंद आ जाए इसलिए भी निकल के बाहर आ गया। यार पार्क इन्होंने काफ़ी डेवलप कर दिया माशाल्लाह से। यार वहाँ पे जहाज खड़ा हुआ है, यहाँ पे सबमरीन खड़ी हुई है वो बड़ी सी काली सी, और यहाँ पे इन्होंने नए नए झूले लगा दिए हैं। अब आपको पता है हफ्ते में एक बार बच्चों की एक्टिविटी लाजमी है, और हसन बाबा ये जा रहे, अली बाबा वो जा रहे, अब हम लोग आगे जाके बैठेंगे, इनको झूले झुलाएंगे। अच्छा आपको बताते चलें, हम लोग रास्ते में से कलेजी लेते हुए आए थे। अब हमारी वाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी बहुत पसंद है, 100 रुपये की कलेजी, और यहाँ पे मुश्किल से झूला झूलेंगे 150-200 रुपये, 300-400 बस, इससे ज़्यादा नहीं। टोटल खर्चा जो है हमारा वो 500 का है। अभी हम यहाँ टेबल पे बैठेंगे सुकून से, पहले कलेजी खाएंगे। और भाई हमने खरीदी है ये 100 रुपये की कलेजी, चटपटी, और जो रोज और क्या नाम है रोड पे ठेले वाले खड़े हुए होते हैं ना, आपके भाई ने उससे खरीदी, और इसका तो मज़ा ही अलग है यार, जब इसके अंदर मट्टी वट्टी सब चीज़ें मिली हुई होती है ना, उसका जायका ही अलग होता है। अच्छा हम लोग पहले भी इस पार्क में आ चुके हैं मेरी टाइम के अंदर, पर अब आए ना तो एनवायरनमेंट कुछ अलग ही, और बहुत आला ज़बरदस्त लगा मुझे तो। सामने झूले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ज़बरदस्त लग रहा है एनवायरनमेंट, ये देख सकते हो भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, ऐसे मट्टी मट्टी थी, मतलब बच्चे गंदे शंदे से घूमते थे ना। हम माशाल्लाह से देखो यार कैसा डेवलप करा हुआ है यार इन लोगों ने, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और भाई हम लोगों ने राइड शुरू कर दी है बच्चों की। अच्छा ये वाला हमने टिकट लिया है इस वाले झूले का, अली के लिए कितने का लिया है, 80 रुपये का एक टिकट। तो अब बिठाते हैं अली को इस झूले के अंदर। चलो भाई अली और हसन को हम दोनों ने बिठा दिया है इस झूले के अंदर, तो अब ये स्टार्ट होगा और देखते हैं कैसे चलता है। अली अली ये तेज़ नहीं चलाइएगा, क्या बोल रहे हैं पापा, इधर देखें इसको नहीं घुमाएं आप, ये वैसे ही घूमेगा। भाई हमें बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाना अलाउ नहीं, हम बाहर आ गए हैं। अब ये भाई स्टार्ट करने वाला है झूला, और अब देखते हैं कैसे चलता है ये। बाय अली। अली और हसन की राइड्स हो गई है, इधर आओ दोनों बच्चे, मजा आया आपको? और अली आपको मजा आया? अच्छा और भी झूल लेना, पहले बताओ आपको मजा आया? वाओ हैं दिस, आपको डर लग रहा था? हसन आपको भी? अली और बच्चों को राइड करवाने के बाद बेगम को लग गई चाय की तलब, अब हम जा रहे हैं चाय लेने के लिए, यहाँ से ख़रीदेंगे चाय। चाय मेरे ख्याल से अभी पूछेंगे कितने की, अंकल के पास 100 रुपये की चाय है, और टोकन लेके अंकल ने भेजा यहाँ पर, फ्रेश फ्रेश बन रही है, यहीं से मिलेगी चाय। भाई बेगम को चाय पीनी थी तो हमने सोचा चलो हम चाय ले लेते हैं, और आपके भाई ने चाय ले ली है, अब यहाँ पे बेगम को दे देंगे क्योंकि इनको भूख कम लगती है, और चाय तो भाई चाय मिल जाए बस। ये लो बेगम चाय मिल रहा है, खाना ना मिले एक टाइम, ऐसा ही है। पर मैं नहीं पीता बेगम, इतना शौकीन नहीं हूँ मैं चाय का। बेगम शौक से पीती है चाय, सर में दर्द हो रहा है, चलो चलो पी लो, गड़ 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 पी जाओ, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई हम तो बैठ गए बस एक ही जगह, और ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पे झूले हैं, और हम घासों में जो बैठने का मज़ा है ना अपना, वो अलग ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आराम करेंगे, बच्चों को छोड़ दिया है, वो अली खेल रहा है और हसन खेल रहे हैं दोनों,
और इनकी हमने स्लीपर उतार दिए। कहते हैं यार घासों पे चलना अच्छी बात होती है, रिफ्रेशमेंट मिलती है बच्चों को। और ये देखो हमारे बच्चे तो फिर माशाल्लाह ना, ये देखो बेगम तो बेगम, बच्चों को भी भूख लग गई है भाई। फ्राइज लेकर आ रहा हूँ मैं बच्चों के लिए, और अली भाई फुल बेचैन हुए हैं कि पापा भूख लग रही है। अली पापा आपके लिए फ्राइज लेकर आ गए, चलो आ जाओ आप लोग भी फ्राइज खाओ। चलो भाई ऐलान हो रहा है कि अपने अपने घर चले जाए, और हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अली नहीं करो यार, क्या कर रहे हो पागल। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, सही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो मिल सके। ऐलान कर रहे हैं बार बार कि भाई बाहर निकलो।